आज हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए मुरमुरे। नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हुआ सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है जन्माष्टमी, तो आप लोगों की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारा ये जो ब्लॉग है थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे छोटे और हमारी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि ये जो मेरा ब्लॉग है बहुत लेट जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने वाला है लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको पसंद आए तो तभी शेयर करना, ठीक है? तो दोस्तों, जो हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं उसके लिए राधे आप लोगों से बोलते हैं दिल से धन्यवाद। दोस्तों, सुबह का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं, तो हमने सोचा चलो आप लोगों से बाहर चल के बात कर लें। तो सूर्य भगवान की रोशनी आ रही है और आज हमने पहनी है अपनी ब्लैक वाली साड़ी। कैसे लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो हमने सोचा चलो आप लोग से आज वहाँ अपने घर के पीछे बात करते हैं, जहाँ ग्रीन ग्रीन चारों तरफ नज़र आएगा आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे लगते हैं ना हरियालियाँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आप लोग से अपने हर ब्लॉग में जो है शेयर करती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो हमारे बच्चे भी सो रहे हैं, तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज मैं बना रही हूँ तुलसी वाली चाय। हमेशा अदरक वाली बनाते हैं, आज मैं तुलसी वाली चाय बना रही हूँ। हम जन्माष्टमी रहते हैं ना, लेकिन सभी लोग जो है कल सुबह पानी पीते हैं, लेकिन मैं पी लेती हूँ। हम नहीं रह पाते नीला जली, तो हम पानी पी लेते हैं। मेहंदी भी लगाई थी, वो भी छूट गई मेहंदी को। तो दोस्तों, हमने आप लोग के साथ कई बार हर चीज़ें शेयर की है, तो आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे की पकौड़ी। हमने बेसन की पकौड़ी, बेसन की भजिया सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया था, तो ये नहीं शेयर किया था, तो हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और अमचूर पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, प्याज, यही सब डाल के हमने जो है इसका बैटर तैयार किया था। और इसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे छान लेंगे तेल में, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों, मुझे भी पसंद है और हमारे बच्चे लोगों को भी पसंद। तो गाइस, हमारे बच्चे लोग खाना बहुत चाहते हैं, तो जब भी हम कुछ बनाना होता है तो वही नॉर्मली चीज़ यही बनाते हैं, गेहूं के आटे की पकौड़ी। और अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाइएगा। फ़ायदा करता है जो ये पकौड़ियाँ होती हैं गेहूं के आटे की, तो काफ़ी सारे लोग जो है बनाते हैं, तो हमारे घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए ही बना रहे हैं। क्योंकि जो बेसन होता है ना, वो थोड़ा सा बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से, इसलिए हम गेहूं के आटे के ही बनाते हैं बच्चों के लिए अपने। तो जब ये गोल्डन ब्राउन में हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में, और यहाँ पे देखो ये हमारी पकौड़ी जो है बनके तैयार हो गई है। तो चलो अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। चटनी ले सकते हो या फिर आप चाय के साथ खा सकते हो, गर्मा गर्म गेहूं के आटे की पकौड़ी कुरकुरी, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद हम पापा के लिए बना रहे हैं मुरमुरा। तो यहाँ पे देखो सेंग दाना लिया है, प्याज लिया है, हरी मिर्च है, गरम मसाला है और लाई है। लाई को ही मुरमुरा बनाते हैं। और अगर आप सफ़र में जा रहे हो, अगर आपको दिख जाता है, तो सभी लोग जो है इसे खाना पसंद करते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अधिकतर इसे बनाती रहती हूँ। क्या बनाना है मम्मी? आज हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए मुरमुरे। मुरा बोलते हैं बेटा, लाई बोलते हैं, लाई को ही मुरमुरा बोलते हैं। जब उसको भुना जाता है ना, तो मुरमुरा बन जाता है।
तो दोस्तों इसके बाद हम जो है इसे तेल में डाल के अच्छे से थोड़ा सा गरम कर लेंगे, और जब हमारी जो मुरमुरे यानी लाई है कुरकुरी हो जाएगी तो इसमें हम गरम मसाले डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं हल्का सा, और सेंगदाना, हरी मिर्च, कच्चा प्याज, यही सब डाल के अच्छे से मिक्स करके हम गैस से नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा मुरमुरा जो है बन के तैयार हो गया है दोस्तों। हाय गाइज, बाय करो, लो बाय, पापा बुला लो, पापा हाय हाय, हाय गाइज, बाय गाइज, हाय गाइज, हेलो। सो गाइज, मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ आप लोग अंदाज़ा लगा चुकी हो। तो मैं इस टाइम अपने नए वाले रूम में हूँ, या आप लोग को मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा है इससे ही पता चल गया, क्योंकि अभी हमारा नया वाला घर प्लास्टर नहीं हुआ है। तो आज हमारा व्रत है, मैंने आप लोग को सुबह ही बताया था, तो आज हमारा व्रत है, सिर्फ हम ही हैं, मम्मी नहीं है, और सबके लिए खाना बनाना था। फिर उस खाना बनाने के बाद जो है हमने अपने लिए फलाहार बनाया, साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी हमने आप लोग के साथ शेयर किया था। और बच्चों के लिए जो है पकौड़ी बनाई थी, और पापा के लिए जो है मुरमुरा बनाया था लाई वाला, तो उन लोगों को वही हमने बना के दिया। और उसके बाद जो है अपने लिए खिचड़ी बनाई, फिर मैंने खाया, खिचड़ी खाई और चाय पिया, और मम्मी ने केला भी मंगाया था, सेंगदाना केला, तो अभी मैं नहीं खाई हूँ, मैंने कहा कि मम्मी इसे हम बाद में खाएंगे, अभी हमने साबूदाने की खिचड़ी खाई है तो भूख नहीं है। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो रहने दो, दोपहर में खा लेना। तो दोस्तों मैं जब जन्माष्टमी आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी होती हूँ। क्यों होती हूँ? क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि अपने भैया को जो है कृष्ण बनाऊंगी, कन्हैया, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों जब मैं कोई भी चीज़ सोचती हूँ पूरा नहीं होता। ऐसे मेरे साथ 2-3 साल से ही चल रहा है, जब से बिट्टी हमारी पैदा हुई है तभी से हो ही नहीं पाता। जब बिट्टी हुई थी तो जो है मैं सोचती थी कि अपनी बिट्टी को राधा बनाऊंगी, राधा बनाऊंगी, नहीं हुआ। और अब इसके बाद भैया को सोचती कान्हा बनाऊंगी, कान्हा बनाऊंगी, लेकिन नहीं हुआ, कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। तो इसीलिए जो है हम नहीं बना पाए, इस साल भी हमारा जो है अधूरा रह गया। तो पता नहीं कैसा मेरा नसीब ही है, जो चीज़ मैं सोचती हूँ होता ही नहीं, सच में यार, पता नहीं। तो दोस्तों हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं? कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं जब कुछ सोचने लगते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। चलो कोई नहीं, फिर एक साल और इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता अगले साल मेरा विश पूरा हो जाए। तो भाई अभी हमारे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और जब छोटा बच्चा रहता है ना उसको कान्हा बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और ठुमक ठुमक के चलता भी है तो अच्छा लगता है ना। पिछले साल जो है पहिया पर की चाची जी ख़त्म हो गई थी, इस साल जो है बगल के जो है बाबा जी ख़त्म हो गए, तो इसीलिए जो है जन्माष्टमी नहीं मनाई गई, मैं भैया को कान्हा नहीं बना पाई, इसका रीज़न यही है। तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो इसलिए जो है नहीं बना पाए अच्छे से, नहीं तो मनाने वाले थे, हम बोल रहे थे कि अपनी भैया को जो है कान्हा बनाएंगे, कान्हा बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय दोस्तों। क्या दिखा रही हो? अभी रुको, आप लोग रुको, भाई इनको देख लो क्या दिखा रही हो, क्या दिखा रही हो? पैंट कोट, जानवी हमारी पैंट कोट दिखा रही है भैया, कहती है पैंट कोट। तो
अब वीडियो को समाप्त करो। चलो अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।